हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है डीज फॉर यू। गाइस बात करने वाले हैं ट्विन टावर के बारे में कि ट्विन टावर के मालिक कौन हैं और साथ ही इस ट्विन टावर की इस बिल्डिंग को गिराने में आखिर इतना टाइम क्यों लगा, इतना देरी क्यों हुई और क्या वजह थी जिसकी वजह से इस ट्विन टावर को गिराया गया। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कुछ खास बातों से, जैसे कि बात करते हैं ट्विन टावर को बनाने में तकरीबन 200 करोड़ रुपए की आसपास की खर्च आई हुई थी और साथ ही इसको गिराने में भी तकरीबन 20 करोड़ का खर्च आया था। एक सवाल हर किसी के मन में आता है जो कि आखिर इसे बनाने वाला शख्स कौन है और साथ ही इस ट्विन टावर्स के ऑनर्स कौन हैं और कैसे उसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। नोएडा में इस ट्विन टावर को गिराने में तकरीबन 8 से 9 सेकंड का समय लगा। साथ ही इस 32 से 29 मंजिला इमारतें अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है और कई किलोमीटर दूर तक इसके धुएं का गुब्बा दिखता रहा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ट्विन टावर के ऑनर्स कौन थे। ये ट्विन टावर सुपरटेक कंपनी ने बनाया था। सुपरटेक कंपनी के मालिक का नाम आर के अरोड़ा है। आर के अरोड़ा ने 34 कंपनियां खड़ी की है। ये कंपनियां सिविल, एविएशन, कंसल्टेंसी, ब्रेकिंग, प्रिंटिंग, फिल्म, हाउसिंग फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन तक के काम करती है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आर के अरोड़ा ने कब्रगाह बनाने तक की कंपनी भी खोली थी। अब बात करते हैं गाइस, कंपनी कैसे खड़ी हुई, कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। आर के अरोड़ा ने कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर 7 दिसंबर 1995 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में, साथ ही मेरठ, दिल्ली, एनसीआर समेत देश भर के करीब 12 शहरों में रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। देखते देखते अरोड़ा ने रियल एस्टेट में अपना नाम बना लिया। इसके बाद अरोड़ा ने एक के बाद एक 34 कंपनियां स्टार्ट की। ये अलग अलग कामों के लिए थी। सुपरटेक लिमिटेड शुरू करने के 4 साल बाद 1999 में उनकी पत्नी संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एवं प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली। इसके अलावा आर के अरोड़ा ने अपने बेटे मोहित अरोड़ा के साथ मिलकर पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एवं बिलिंग सेक्टर में भी काम शुरू किया। इसके लिए सुपरटेक एनर्जी एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आर के अरोड़ा ने ये 32 मंजिला इमारत कैसे खड़ा किया। स्टार्ट होता है 23 नवंबर 2004 से, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93 ए स्थित प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिला तक मकान बनाने की अनुमति मिली। 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया और नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिले तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर बनने की संख्या में भी इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे जिन्हें बढ़ाकर वह 15 और बाद में 16 कर दिया। 2009 में फिर से इजाफा किया गया और 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर 17 टावर बनाने का नक्शा पास करा दिया। 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए FR में फिर बदलाव किए गए। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावर को 40 मंजिला तक करने की अनुमति मिल गई। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई थी। दोनों टावर के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई, जबकि नियम के मुताबिक दोनों टावर के बीच ये दूरी कम से कम 16 मीटर होना चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपरटेक ने एक टावर 32 मंजिला जबकि दूसरा 29 मंजिला तक का निर्माण भी पूरा कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया और ऐसा पहुंचा कि टावर बनने में हुई भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती गई। अब दोनों टावर फाइनली गिरा दिए गए। अब बात करते हैं गाइस, कैसे इस इमारत को गिराने में 8 साल लग गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली इस लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। हालांकि समय सीमा की तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीख को फिर बढ़ा दी गई और आज आखिरकार इसे गिरा ही दिया गया। बात करते हैं गाइस कि कैसे सुपरटेक कंपनी बैंकरप्ट हुई। ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आर के अरोड़ा की स्थिति खराब होने लगी। करीब 200 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने इस ट्विन टावर पर 711 फ्लैटों की बुकिंग भी हो चुकी थी। इसके लिए कंपनी ने लोगों से पैसे भी ले लिए थे, लेकिन जब इसे गिराने का आदेश दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुकिंग अमाउंट और 12% ब्याज की रकम मिलाकर 652 निवेशकों के दावे सेटल कर दिए गए।
इसमें 300 से अधिक ने रिफंड का विकल्प अपनाया, जबकि बाकी ने मार्केट या बुकिंग वैल्यू का ब्याज की रकम जोड़कर जो राशि बनी उसके अनुसार दूसरी परियोजनाओं में प्रॉपर्टी ले ली। प्रॉपर्टी की कीमत कम या ज्यादा होने पर पैसा रिफंड किया गया, अतिरिक्त रकम जमा कराई गई। ट्विन टावर के 59 निवेशकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। 25 मार्च को सुपर टेक के इंसॉल्वेंसी में जाने से रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। 14 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड दिया जाना बाकी है। इंसॉल्वेंसी के में जाने के बाद मई में कोर्ट को बताया गया कि सुपर टेक के पास रिफंड के पैसे नहीं हैं। इसके चलते कंपनी को भारी नुकसान हुआ। इसी साल मार्च में सुपर टेक कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। सुपर टेक नाम से कई कंपनी हैं जो आरके अरोड़ा की है, लेकिन यहाँ जो कंपनी दिवालिया हुई है वह रियल एस्टेट में काम करने वाले सुपरटेक है, जिसे ट्विन टावरों का निर्माण किया है। सुपरटेक कंपनी ने यूनियन बैंक से करीब 432 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। कर्ज नहीं चुका पाने के कारण बैंक ने कंपनी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद NCLT ने बैंक की याचिका स्वीकार कर ली और इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। अब बात करते हैं गाइस सबसे अहम मुद्दे पर कि ट्विन टावर गिराने पर सुपर टेक का क्या रिएक्शन रहा। ट्विन टावर के गिराए जाने के मामले में सुपर टेक का बयान आया है कि बयान में कहा गया कि प्राधिकरण को पूरा भुगतान करने के बाद हमने टावर का निर्माण किया था। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और दोनों टावरों को ध्वस्त कर दिया गया। हम सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का सम्मान करते हैं और उसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये थी गाइस वीडियो ट्विन टावर के ऊपर। सो कैसा लगा हमारे यहाँ वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल डील्स फॉर यू।